हे फ्रेंड्स, मेरे चैनल राघव मलानी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी रेसिपी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी विद योर शेफ राघव मलानी। तो आज हम बनाएंगे बॉम्बे स्टाइल वेज चीज सैंडविच। These are all the ingredients we need to make this recipe. So let's get started. Namaste. Hello. Welcome to my channel. So, आज मैं बनाऊंगा मेरा favorite veg cheese sandwich. So this is how I get happy while cooking. सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड स्लाइस। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ आटा ब्रेड टू मेक इट मोर हेल्दियर। देखिए ब्रेड पे किस तरीके से बटर लगाना है, बहुत अच्छे से दोनों ब्रेड स्लाइस को हमें बटर लगाना है। हमने इसके साइड्स थोड़े से कट कर दिए हैं। अब मैं इस पे ग्रीन कोरिएंडर चटनी लगाऊंगा। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मुझे दोनों स्लाइस पे ग्रीन चटनी लगाना है। ग्रीन चटनी से बहुत ही टैंगी फ्लेवर आएगा हमारी सैंडविच में। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है प्रॉपरली। अब दूसरी स्लाइस पे भी हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। अब मैं इस पे लगाऊंगा स्लाइस टमाटोज। अच्छे से कवर करना है हमें पूरे ब्रेड को। तो 4 स्लाइस विल बी इनफ फॉर 1 सैंडविच। अब मैं इस पे बॉइल्ड पोटैटोज लगाऊंगा। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन्हें वेजिटेबल्स खिलाने का। ट्रस्ट मी ये हेल्दी तो है ही लेकिन बहुत टेस्टी और यमी भी है। अब मैं इसमें स्लाइस्ड अनियंस लगा रहा हूँ। अनियंस थोड़े से कम लगाएंगे हम। और अब इसमें हम लगाएंगे सब बच्चों के फेवरेट स्लाइस्ड कुकुम्बर। बहुत अच्छे से प्लेस करना है हमें कुकुम्बर पूरे सैंडविच पे। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, लेकिन मैं बस चाट मसाला डाल रहा हूँ। बस थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम चाट मसाला। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखिए अब हम इस पे लगाएंगे चीज़। ये चीज़ स्लाइस है, मैं इसे ऐसे लगाऊंगा स्मॉल स्मॉल पीसेस और अच्छे से कवर करूंगा हमारे सैंडविच को। आप चाहे तो चीज क्यूब इस पे ग्रेट भी कर सकते हैं, चीज स्लाइस भी लगा सकते हैं, और नहीं चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बस इसे कवर करेंगे हम चीज से और अब दूसरे ब्रेड से इसे कवर कर देंगे। एंड आब्रा कडाब्रा छू। और हमारी सैंडविच कट गई है पीसेस में। सी, अब हम इसे डेकोरेट करेंगे केचप से, बिकॉज सैंडविच हो तो केचप तो जरूरी है। अब हम इसे कलरफुल बनाएंगे।
थोड़ा थोड़ा केचप और थोड़ा थोड़ा ग्रीन चटनी। और अब फाइनली हम गार्निश करेंगे। ओ ओ, पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। दैट इज गुड, बारीक सेब इज गुड। अच्छा है, टेस्ट हो गया। अब मैं इसमें लगा देता हूँ, तो बस हम इसे फाइनली गार्निश करेंगे बारीक सेब से, लॉट्स ऑफ बारीक सेब। पहले थोड़ा सा खा लेता हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम फाइनल टच देंगे बारीक सेब से। सो आवर यमी यमी चीज सैंडविच इज रेडी, है ना, बहुत माउथ वाटरिंग। और आप लोगों का भी मन कर रहा है इसे खाने के लिए। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। वाओ, इट्स टू यमी। चलो तो हम चलते हैं। सो आई एंजॉय माय सैंडविच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।